गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर ए विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 3 में हिंदी में चैप्टर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 5 में जो कहानी दिया है संक्षिप्त जीवनी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी के बारे में दिया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी। ये घटना इटली के फ्लोरेंस नगर की है। एक घटना घटी थी जो फ्लोरेंस नगर की, इटली के फ्लोरेंस नगर की, एक छोटी सी बालिका बस्ता उठाकर विद्यालय से अपने घर जा रही थी। एक छोटी सी बच्ची थी जो मतलब अपना बैग लिए हुए विद्यालय से घर जा रही थी। गली की एक नुक्कड़ पर उसे एक बिल्ली मिली। बिल्ली की एक टांग घायल थी और बिल्ली की एक पैर में मतलब चोट लगी थी जिसके कारण उसकी टांग घायल थी। उसके घाव पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उस बालिका को बिल्ली पर दया आ गई। जब उस बालिका ने बिल्ली को देखा कि उसके टांग पर ये मधुमक्खियाँ भिनभिना रही है, तो उस बालिका को दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई। और उसने क्या किया, उस बालिका ने बिल्ली को उठाया और अपने घर लेकर आई। उसने बिल्ली के घाव को गर्म पानी से धोया और उस पर पट्टी बांध दी। उस बालिका ने क्या किया कि गर्म पानी से उसके घाव को धोया और उस पर पट्टी बांध दी। लगभग एक सप्ताह की सेवा के बाद वो बिल्ली ठीक हो गई। लगभग बालिका ने एक सप्ताह तक उसको ऐसा किया, मतलब गर्म पानी से धोई और पट्टी बांध दी, तो उसकी घाव ठीक हो गई। क्या आप जानते हैं कि उस बिल्ली की सेवा करने वाली बालिका कौन थी? उस दयालु बालिका का नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो वो बालिका जो थी, जो बिल्ली की सेवा की थी, उस बालिका का नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में इटली में हुआ था। वो जो बालिका फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उसका जन्म 12 मई 1820 में इटली में हुआ था। उसका हृदय बचपन से ही बड़ा कोमल था और वो हृदय की बहुत कोमल मतलब लड़की थी। किसी को दुख में देखकर उसका मन भी दुखी हो उठता था। अगर वो किसी को दुख में देखती थी तो उसका भी मन दुखी उठता था। उसको बीमार देखकर वो तुरंत उसकी सेवा में जुट जाती थी। वो अगर किसी को बीमार देखती थी तो तुरंत उसकी सेवा में जुट जाती थी, उसकी मदद करने के लिए। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो बीमार और रोगियों की सेवा करना ही उसे अपने जीवन का उद्देश्य लगा। जब वो थोड़ी सी बालिका जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, वो जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो बीमार रोगियों की सेवा करना ही उसे अपने जीवन का उद्देश्य लगा। उसने मन ही मन नर्स बनने का निश्चय किया। उस बालिका ने मन ही मन नर्स बनने का मतलब बनने का निश्चय किया। जब उसके माता पिता को उसकी इच्छा के बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। जब उसके माता पिता जाने कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो एक नर्स बनना चाहती है, तो उसके माता पिता को बहुत नाराज हुए उसके इस उद्देश्य से। उन्होंने फ्लोरेंस को नर्स बनने की अनुमति नहीं दी और उसके माता पिता ने उसे नर्स बनने की अनुमति नहीं दी। वे इस काम को पसंद नहीं करते थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के माता पिता इस काम को, नर्स बनना, पसंद नहीं करते थे। उन दिनों में सम्मानित परिवारों की लड़कियां इस पेशे को नहीं अपनाती थी। उस समय में मतलब जो सम्मानित परिवारों की लड़कियां थी वो नर्स नहीं बनती थी, इस पेशे को नहीं अपनाती थी। जब फ्लोरेंस को अपने माता पिता से अनुमति नहीं मिली तो वो बहुत उदास हो गई। फ्लोरेंस के माता पिता ने जब उसे अनुमति नहीं दिया नर्स बनने का, तब वो बहुत उदास हो गई। अंततः माता पिता को उसके दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा और बाद में उसके माता पिता को उसके निश्चय के आगे झुकना पड़ा। फ्लोरेंस ने अस्पतालों में जाकर नर्स का कार्य किया। फ्लोरेंस उसके बाद अस्पताल में गई और नर्स का कार्य करने लगी। काम के प्रति उसकी लगन को
देखकर उसे लंदन में नर्स संस्था का अध्यक्ष बना दिया गया और उसके काम के प्रति उसकी लगन को देखकर, उसके रुचि को देखकर उसे लंदन में नर्स संस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया। सभी उसके काम की बड़ी प्रशंसा करते थे, सभी उसके काम को देख के उसकी बहुत प्रशंसा यानी कि बड़ाई करते थे। उन्हीं दिनों इंग्लैंड को एक युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्ध में घायल सैनिकों को अस्पतालों में लाया जाने लगा। गंभीर रूप से घायलों को एस्कुटारी स्थित अस्पताल में लाया जाता था। उस अस्पताल में रोगियों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार ने फ्लोरेंस को सौंप दी थी। जो इंग्लैंड में जो युद्ध हुआ तो उसके जो भी रोगी आते थे उसकी जिम्मेदारी सरकार ने फ्लोरेंस को सौंप दी थी। इस अस्पताल में रोगियों की सेवा और देखभाल का उचित प्रबंध नहीं था। फ्लोरेंस ने अपने प्रयत्नों से रोगियों को जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराई और फ्लोरेंस ने अपने प्रयत्नों से रोगियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई। वह दिन रात रोगियों की सेवा में जुट गई। वह स्वयं प्रत्येक रोगी से मिलती थी, अस्पताल में बिजली का प्रबंध नहीं था, इसलिए वह रात को हाथ में लैंप लेकर रोगियों के पास जाती थी। रोगी उसे देखते ही पीड़ा भूल कर मुस्कुरा उठते थे। उस समय मतलब ये बिजली की सुविधा नहीं थी तो फ्लोरेंस क्या करती थी कि हाथ में लैंप लेकर और जाकर रोगियों को देखती थी, तो रोगी उसे देखते ही अपनी पीड़ा दुख सब भूलकर मुस्कुराने लगते थे। बीमार सैनिक उसे लैंप वाली देवी कहते थे और वो जो बीमार सैनिक थे वो फ्लोरेंस को लैंप वाली देवी कहते थे। युद्ध में घायल सभी सैनिकों को अस्पताल में लाना कठिन होता था। उसको अस्पताल में लाना बहुत कठिन होता था, इसलिए उनके देखभाल सैनिक शिविरों में ही की जाती थी। इन शिविरों में चिकित्सा प्रबंध ना के बराबर थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्वयं लड़ाई के मैदान में गई। वहाँ उसने शिविरों में सैनिकों को चिकित्सा का उचित प्रबंध किया। रात दिन लगातार काम करने से उसका शरीर कमज़ोर हो गया। वह इंग्लैंड लौट आई और उसके बाद वो फ्लोरेंस इंग्लैंड लौट आई। उसे इंग्लैंड के शासक किंग एडवर्ड ने सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया था और फ्लोरेंस को इंग्लैंड के शासक किंग एडवर्ड ने सार्वजनिक रूप से उसे सम्मानित किया था। उसका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया और वो जो फ्लोरेंस थी उसका नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को विश्वास था कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है और वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल मतलब कहती थी या उसे विश्वास भी था कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। 13 अगस्त 1910 को 90 वर्ष की आयु में फ्लोरेंस का निधन हो गया, यानी कि 13 अगस्त 1910 में उसका मतलब मृत्यु हो गया, निधन हो गया और वो उस समय 90 वर्ष की थी। निधन पार्क लेन लंदन में हुआ और उसका फ्लोरेंस का निधन पार्क लेन यानी कि लंदन में हुआ। आज संसार में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आज संसार में बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो ये कहानी हम लोगों की मतलब ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी समाप्त हो गई। अब हम लोग इस जीवन से देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, अब मैं शब्दार्थ बता देती हूँ। शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। नुक्कड़ मीन्स होता है कोना। घाव मीन्स होता है जख्म। नर्स मीन्स होता है परिचारिका। अनुमति मीन्स होता है आज्ञा।
चिकित्सा, चिकित्सा मीन्स होता है इलाज। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मीन्स होता है मशहूर। शिविर, शिविर मीन्स होता है छावनी। दृढ़, दृढ़ मीन्स होता है पक्का। अब चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर बनाएंगे। प्रश्न उत्तर में देखिए, नंबर वन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो नंबर कम में देखिए, फ्लोरेंस ने घायल बिल्ली की सेवा कैसे की। तो फ्लोरेंस ने घायल बिल्ली की सेवा गर्म पानी, उसके बिल्ली के घाव को गर्म पानी से धोकर धोया और ऊपर और उसके ऊपर पट्टी बांध दी। नंबर ख में देखिए, फ्लोरेंस के माता पिता ने उसको नर्स बनने की अनुमति क्यों नहीं दी। तो फ्लोरेंस के माता पिता ने उसको नर्स बनने की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि सम्मानित परिवारों की लड़कियां इस पेशे को नहीं अपनाती है। तो इसका नंबर ख का उत्तर क्या होगा, फ्लोरेंस के माता पिता ने उसको नर्स बनने की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि सम्मानित परिवारों के घर की लड़कियां ये पेशा नहीं अपनाती है। नंबर ग में देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या विश्वास था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को विश्वास था कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। तो इसका उत्तर नंबर ग का क्या लिखेगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को विश्वास था कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। नंबर घ में देखिए, किसने फ्लोरेंस को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। तो फ्लोरेंस को किंग एवर्ड ने सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। तो नंबर घ का उत्तर क्या लिखेगा, फ्लोरेंस को किंग एडवर्ड ने सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। नंबर टू में देखिए, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। जो सही शब्द है उससे रिक्त स्थान भरना है। नंबर क में देखिए, माता पिता को फ्लोरेंस के धीड़ डैश के आगे झुकना पड़ा। तो धीड़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। नंबर ख में देखिए, सभी फ्लोरेंस के काम की डैश करते थे। तो क्या करते थे, प्रशंसा। उसके बाद नंबर ग में देखिए, रोगी फ्लोरेंस को देखते ही डैश भूलकर मुस्कुरा उठते थे। तो देखते ही पीड़ा भूलकर मुस्कुरा उठते थे। नंबर घ में देखिए, संसार में फ्लोरेंस का नाम बड़े डैश से लिया जाता है। तो संसार में फ्लोरेंस का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में दिया है नंबर थ्री में, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। यानी कि जो सही है उस पर सही का चिन्ह और जो गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो नंबर क में देखिए, फ्लोरेंस का हृदय बचपन से बड़ा कठोर था। क्या ये सही है, तो नहीं, क्योंकि फ्लोरेंस का हृदय बचपन से ही बड़ा कोमल था। तो ये क्या है हम लोगों का, गलत है। नंबर ख में देखिए, फ्लोरेंस के माता पिता चाहते थे कि वह एक नर्स बने। तो नहीं, फ्लोरेंस के माता पिता उसको नर्स बनने की अनुमति नहीं देते थे। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि वो बाद में उसकी मतलब निश्चय के कारण वो लोग उसके माता पिता झुके, लेकिन पहले वो नहीं चाहते थे कि वह एक नर्स बने। नंबर ख में, फ्लोरेंस स्वयं लड़ाई के मैदान में गई। ये सही है। उसके बाद नंबर घ में देखिए, फ्लोरेंस अस्पताल में जाकर चिकित्सक बन गई। तो ये भी हम लोगों का सही है कि वो अस्पताल में चिकित्सक बन गई। अंग में देखिए, लास्ट में फ्लोरेंस स्वयं प्रत्येक रोगी से मिलती थी। सही। उसके बाद देखिए नंबर फोर में, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जो यहाँ पे सही है ऑप्शन दिया है और इसमें से जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। नंबर क में देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म स्थान था कहाँ था, दिल्ली, इटली, लंदन। तो उसका जन्म स्थान कहाँ था, इटली। उसके बाद नंबर ख में, फ्लोरेंस ने मन ही मन क्या बनने का निश्चय किया। तो फ्लोरेंस ने मन ही मन क्या निश्चय किया, बनने का, नर्स।
उसके बाद नंबर ग में देखिए, रात को फ्लोरेंस हाथ में क्या लेकर रोगियों के पास जाती थी? दवाई, लैंप, टॉर्च। तो क्या लेके जाती थी? लैंप। उसके बाद नंबर घ में, मनुष्य की सेवा किसकी सच्ची सेवा मानी जाती है? जानवर की, समाज की, भगवान की? तो भगवान की। उसके बाद देखिए नंबर वन में, ये ग्रामर में है, भाषा बोध में देखिए, नंबर वन में नीचे लिखे शब्दों के सही अर्थ लिखिए, यानी कि जो नीचे लिखे हुए शब्द है उसके सही अर्थ लिखने हैं। तो देखिए इसको आप लोग सभी को होमवर्क से बनाइएगा, मैं तभी भी बता देती हूँ। अनुमति, अनुमति का अर्थ होगा आदेश। नंबर टू में दृढ़, दृढ़ में मतलब निश्चय करना, निश्चित रूप से या निश्चय। नंबर थ्री में कमज़ोर, तो कमज़ोर का होगा दुर्बल। नंबर फोर में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का होगा विख्यात। नंबर फाइव में निश्चय, निश्चय का होगा निश्चित। और नंबर सिक्स में चिकित्सा, चिकित्सा का मतलब होगा इलाज। उसके बाद नंबर टू में देखिए, विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो देखिए ये जो विलोम शब्द दिया है और इसको रेखा खींचकर मिलाना है। तो देखिए दयालु का क्या होता है? दयालु का विलोम क्या होगा? क्रूर होगा। बीमार का विलोम क्या होगा? स्वस्थ। बड़ा का विलोम क्या होगा? छोटा। गरीब का विलोम क्या होगा? अमीर। और उदास का विलोम क्या होगा? खुश। नंबर थ्री में देखिए, पढ़ो समझो और विशेषणों को उचित स्थान पर लिखो, यानी कि यहाँ पे दिया है विशेषण और इसको पढ़ के और उचित स्थान पे लिखना है। तो देखिए तो वहाँ पे विशेषण दिया है, तो नंबर क में देखिए, गुड़ सा क्या होता है? मीठा। वहाँ पे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नंबर ख में मिर्च सा तीखा। उसके बाद रुई सा कोमल। बर्फ सा ठंडा। उसके बाद सूरज सा चमकीला। उसके बाद नंबर चार में चांद सा खूबसूरत। उसके बाद देखिए नंबर वन में सोचिए, समझिए और कीजिए, इसको भी आप सभी को होमवर्क से बनाना है। देखिए नंबर वन में क में दिया है, नीचे कुछ बच्चे घर के काम में मदद कर रहे हैं, बताइए कौन क्या कर रहा है। इस पिक में आप लोग इस चित्र में देखिए कि कुछ बच्चे हैं जो घर का काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं इसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नंबर ख में देखिए, आप घर पर किस किस काम में मदद करते हैं लिखिए, और आप लोग घर पर क्या क्या काम करते हैं, किस किस काम में मदद करते हैं उसको लिखना है। तो आप लोग इस लाइन में लिख लीजिएगा। नंबर टू में देखिए, रजनी को एक घायल जानवर को जानवरों के अस्पताल पहुंचाना है, तो अस्पताल तक रास्ता ढूंढने में रजनी की मदद कीजिए। ये रजनी है, इसको ये जानवर को अस्पताल तक पहुंचाना है, तो आप लोग इसको पहुंचाने में रास्ता में मदद कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है पेज नंबर 44, ये 44 है, ये लास्ट है हम लोग का पेज नंबर। ये मौखिक है, यानी कि ओरल बोलना है, मौखिक शुद्ध उच्चारण कीजिए, इसको बोल के उच्चारण करना है, यानी कि बोलना है। जैसे मैं फ्लोरेंस, इसको क्या पढ़ा जाएगा? फ्लोरेंस। इसको क्या पढ़ा जाएगा? नुक्कड़। इसको उद्देश्य, इसको व्यवसाय, इसको दृढ़, इसको उपलब्ध, इसको नाइटिंगल, इसको चिकित्सा, इसको इंग्लैंड, इसको निश्चय, इसको प्रबंध, इसको प्रसिद्ध। ऐसे इसको पढ़िएगा, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करिएगा। नंबर टू में है, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए, यानी कि इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ आप लोग कहानी सुने हैं और वो उस जो जीवनी सुने हैं उसको, मतलब यहाँ पे आप लोग सुने हैं तो आप लोगों को याद होगा, तो सोचकर इसका उत्तर देना है।
तो नंबर का में फ्लोरेंस को बिल्ली किस अवस्था में मिली, तो फ्लोरेंस को बिल्ली घायल अवस्था में मिली। ऐसे ही आप लोग इसको सोच सोच के बनाइएगा। उसके बाद ये जीवन कौशल है, लाइफ स्किल्स है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों का ये 5 चैप्टर फिनिश्ड हुआ, समाप्त हो गया। आप लोग इसे कॉपी में, नोटबुक में नोट करिएगा और इसे याद भी, क्वेश्चन आंसर सबको याद करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।